हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे राजकुमार संतोषी सर की सभी डायरेक्ट की गई फिल्मों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, राजकुमार संतोषी जी ने अपनी डायरेक्टर करियर की शुरुआत साल 1990 में आई घायल फिल्म से करी थी और इस फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे सनी देओल, मीनाक्षी सेसादरी, राज बब्बर और अमरीश पुरी। बजट थी फिल्म की 2.5 करोड़ की। भारत से इसने कमाई थी 9.5 करोड़ और वहीं दुनिया भर से इसने कमाई थी 16 करोड़ की। और दोस्तों, यह बॉक्स ऑफिस पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद राजकुमार जी की अगली फिल्म आई साल 1993 में दामिनी। इस फिल्म में हमें नजर आए सनी देओल, मीनाक्षी सेसादरी, ऋषि कपूर और अमरीश पुरी। बजट थी फिल्म की 3.12 करोड़ की। भारत से इसने कमाई 6.50 करोड़ और दुनिया भर से इसने कमाई थी 12 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही। इसके बाद इनकी अगली फिल्म आई साल 1994 में अंदाज अपना अपना। फिल्म के लीड कास्ट में नजर आए आमिर खान, सलमान खान, रवीना टंडन और करिश्मा कपूर। वहीं इस फिल्म की बजट थी 2.90 करोड़ की। भारत से इसकी कमाई हुई 8.18 करोड़ की और दुनिया भर से इसने कमाई 8.65 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर सेमी हिट रही। इसके बाद संतोषी जी की डायरेक्शन में अगली फिल्म आई साल 1995 में बरसात। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे बॉबी देओल और ट्विंकल खन्ना। वहीं इस फिल्म को 8 करोड़ की बजट से बनाई गई थी। फिल्म ने अपने भारत से कमाई 32.43 करोड़ की और दुनिया भर से इसने कमाई 33.90 करोड़ और यह बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। इसके बाद संतोषी जी की फिल्म आई साल 1996 में घातक। फिल्म में नजर आए हमें सनी देओल, मीनाक्षी सेसादरी, अमरीश पुरी और डैनी डेंग जोंपा। बजट थी फिल्म की 6.25 करोड़ की। भारत से इस फिल्म ने कमाई 15.24 करोड़, वहीं दुनिया भर से इसने कमाई थी 27 करोड़ की और दोस्तों, यह बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही। इसके बाद 1998 में आई चाइना गेट। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे ओम पुरी, अमरीश पुरी, नसरुद्दीन शाह और डैनी डेंग जोंपा और इस फिल्म की बजट थी 9.25 करोड़ की। फिल्म ने भारत से कमाई थी 12.78 करोड़ की, वहीं इसने दुनिया भर से 23.31 करोड़ की कमाई करी और इसी के साथ ही यह सेमी हिट रही। इसके बाद साल 2000 में इनकी फिल्म आई पुकार। फिल्म में नजर आए थे हमें अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, नम्रिता शिरोडकर और डैनी डेंग जोंपा। वहीं इसे 17 करोड़ की बजट से बनाई गई। भारत से इसने कमाई 13.30 करोड़ की और दुनिया भर से इसने कमाई थी 25 करोड़ की और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद संतोषी जी की डायरेक्शन में अगली फिल्म आई साल 2001 में लज्जा। इस फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे मनीषा कोइराला, रेखा, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ और महिमा चौधरी। वहीं इसे 22 करोड़ की बजट से बनाई गई। फिल्म ने कमाई अपने भारत से 15.87 करोड़ और दुनिया भर से इसने कमाई 34.30 करोड़ की और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2002 में इनकी फिल्म आई द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म के मुख्य भूमिका में हमें नजर आए थे अजय देवगन, सुशांत सिंह और डी संतोष। बजट थी फिल्म की 20 करोड़ की। भारत से इसने कमाई थी 12.20 करोड़ और दुनिया भर से इसने कमाई 12.94 करोड़ की। इसी के साथ ही यह बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर रही। इसके बाद 2004 में इनकी फिल्म आई खाकी। फिल्म में नजर आए थे हमें अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय। बजट थी इस फिल्म की 25 करोड़ की। कमाई इसने भारत से 26 करोड़ की, वहीं दुनिया भर से इसने कमाई 45.40 करोड़ और दोस्तों, यह एवरेज रही। इसके बाद 2006 में इनकी फिल्म आई थी फैमिली। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आर्यमन रामसे और भूमिका चावला। बजट थी इस फिल्म की 25 करोड़ की। अपने भारत से इसने कमाई 8.60 करोड़ और दुनिया भर से इसने कमाई 14.60 करोड़ की। इसी के साथ ही यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2008 में संतोष जी की डायरेक्शन में बनी फिल्म आई हल्ला बोल। फिल्म के लीड कास्ट में नजर आए हमें अजय देवगन और विद्या बालन और बजट थी फिल्म की 27 करोड़ की। भारत से इसने कमाई 17.83 करोड़ और दुनिया भर से इसने कमाई
रखी 19,49,00,000 की। और दोस्तों यह डिजास्टर रही। इसके बाद 2009 में इनकी फिल्म आई अजब प्रेम की गजब कहानी। फिल्म के लीड कास्ट में नजर आए हमें रणबीर कपूर और कटरीना कैफ। बजट थी फिल्म की 25 करोड़ की। भारत से इसने कमाई थी 87,05,00,000 की। वहीं इसने दुनिया भर से 103,21,00,000 की कमाई करी। और दोस्तों यह फिल्म सुपरहिट रही। इसके बाद 2013 में इनकी फिल्म आई फटा पोस्टर निकला हीरो। फिल्म के मुख्य भूमिका में नजर आए हमें शाहिद कपूर और इलियाना डी क्रूज। बजट थी फिल्म की 47 करोड़ की। भारत से इसने कमाई 52,27,00,000 की। और दुनिया भर से इसने कमाई 63,31,00,000। और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 2013 में इनकी फिल्म आई थी गांधी गॉड से एक युद्ध। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे दीपक एंथनी, चिन्मय मंदलेकर और तनिषा संतोषी। वहीं इसे 20 करोड़ की बजट से बनाई गई, लेकिन इसने भारत से कमाई मात्र 2,87,00,000। और यह डिजास्टर रही। और इसी साल ही संतोषी जी की डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बैड बॉय। फिल्म के लीड कास्ट में हमें नजर आए थे नमसी चक्रवर्ती और अमरीन कुरैशी। वहीं इसे 15 करोड़ की बजट से बनाई गई, लेकिन इसने अपने भारत से कमाई मात्र 55,00,000 की। और यह भी डिजास्टर हुई थी। तो दोस्तों यह था राजकुमार संतोषी जी की अब तक की सभी डायरेक्ट की गई फिल्मों की लिस्ट। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर दे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।